गुड मॉर्निंग धनक सुप के सारे रंग ए प्लस के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं, मैं अपना तारुफ करवाना चाहती हूँ। मैं इसीलिए आज यहाँ हूँ। मैं हूँ हिना सलमान, जो कि अब करूँगी ए प्लस का मॉर्निंग शो। हर सुबह 10 से 12 पीर से जुमा आप मेरे साथ होंगे। और इस शो की ख़ास बात क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये शो हम मुनफरद कैसे बनाएंगे? ये शो हम ऐसे मुनफरद बनाएंगे और डिफरेंट करेंगे कि यहाँ हम ऐसे लोगों को, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को और ऐसी शख्सियत को लेकर आएंगे जो कि पहले किसी भी टेलीविज़न शो या किसी भी स्क्रीन पर नहीं आए। वो लोग जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत बहुत चीज़ों में अपना नाम कमाया, बहुत सी वैल्यू रखते हैं, और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो हम उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी देंगे। और इसके अलावा जो कि मैं एक्साइटेड हूँ, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना आपको पूरा सेट दिखाना चाहती हूँ। इस सेट पे हमने बहुत मेहनत की है, इसके पीछे मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी 3 महीने की मेहनत के बाद आज ये रंगारंग खूबसूरत सेट आपको देखने में मिल रहा है। इसके पीछे डिज़ाइनर्स हैं, इसके पीछे मैनेजमेंट है, इसके पीछे बहुत से लोग हैं, और इसके पीछे थोड़ी सी मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी मेहनत की थी। मैं रोज़ आती थी सब सेट देखने के लिए कि कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो गया। मुझे इतनी टेंशन थी कि मेरा शो शुरू हो जाए, बिकॉज आपने मुझे पहले मुख्तलिफ चैनल्स में स्पोर्ट्स के शोज़ करते हुए देखा है, टेलीविज़न शोज़ पर बैठते हुए देखा है, एज एन एनालिस्ट देखा है, एज अ गेस्ट देखा है, एज एन एजुकेशनिस्ट देखा है, एज अ मदर देखा है, मगर एज अ होस्ट कभी नहीं देखा। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और ये मुझे ए प्लस ने दी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ए प्लस का कि आने वाला साल हम इस शो के इनकार करें, इस शो के साथ अपने जिस तरह इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे, उस तरह इस शो को आगे लेके चलेंगे, और इस शो में वो चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं हम दिखाएंगे आपको। वो रंग, वो जरक बरक, वही चीज़ें, वही कल्चर, वो शादियाँ, डिफरेंट सिटीज़ का वेदर, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इन है, क्या आउट है, क्या फैशन अपडेट है, ये सब लेकर आऊँगी मैं। तो आज का जो शो है वो दिल को छू लेने वाला है। वो क्यों है? क्योंकि इस शो में मेरे बहुत प्यारे, मेरे बचपन के दोस्त मेरे साथ हैं, और ये मुझे इतना सरप्राइज़ दिया है मेरी मैनेजमेंट ने, और मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, और मुझे नहीं पता था कि वो आज इस शो में आएंगे। मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, और मुझे डर भी नहीं थी कि वो कोई ऐसी बात ना करें या कोई ऐसी चीज़ ना बता दें जिसे मैं बीच में हिचकिचा दूँ भाई कि ये चीज़ टेलीविज़न पे ऑन नहीं होने वाली। लेकिन इट्स फाइन, एंड बीइंग पार्ट ऑफ मी, मेरे बचपन के मेरे साथी हैं, प्रोफेशनल साथी भी हैं इसमें, मेरे कहते ना कि प्रोफेशनल जेलसी भी आती है, मेरे मीडिया के भी साथी इसमें हैं, और मेरी ऐसी पर्सनल मेडिकल डॉक्टर भी मेरे साथ हैं जो कि हमेशा से ही मेरे साथ रही हैं, बहुत प्यारी हैं, और मेरा एक ऐसा भाई, मेरा दोस्त जो कि खाने बहुत अच्छे बनाता है। दोस्तों का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम सोचते हैं कि दोस्त अच्छे निकलें या यू नो सोहबत से, कहते हैं ना कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, तो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव, मैं समझती हूँ कि आप खुद अच्छे हो तो अच्छी कंपनी हो, ज़रा सी भटकी हुई कंपनी हो, आप उनको साथ लेके चल सकते हैं। हर सोहबत अच्छी होती है, हर दोस्त अच्छा होता है, कभी आपको नफ़ा नुकसान का नहीं सोचना चाहिए। दोस्ती वो होती है जो ता हयात कायम रहे, जो कि ज़िंदगी भर आपका साथ दें। ऐसे दोस्त जो कि ये ना सोचें कि ये टाइम नहीं है मिलने का, ये वक्त नहीं है, ये वजह नहीं है, जो कि व्हेन, वेयर, व्हाट्स, हु को छोटे बगैर, सोचे बगैर आपके साथ दें, आपके साथ खड़े हों। और मैं लिटरली आई वॉज सो डिलाइटेड एंड आई वॉज सो ऑनर्ड टू सी माई फ्रेंड्स वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, एंड दे वॉज जस्ट एंड आई वॉन्टेड टू टेक अ ग्लांस ऑफ मी कि वॉट आई एम डूइंग, और उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं आज इस सेट पे बींग अ होस्ट उनसे क्वेश्चन करूँगी। और ये चीज़ ना पता नहीं मेरी, मैं उनकी फीलिंग अपनी बता नहीं सकती कि कैसी फीलिंग है। ऐसे लोग जो कि मैं उनके साथ इतना कैजुअल उठती बैठती हूँ, और आज उनको इतने प्रोफेशनल ताल्लुक उनके साथ है, वो प्रोफेशनल अपने प्रोफेशंस में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि ये चीज़ मुझे आज समझ आई है कि जो मेरे दोस्त हैं वो अब प्रोफेशनली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आज वो एक हॉट सीट पर बैठे हुए और मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी बॉन्ड के बगैर हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ब्लड रिलेशन हो, वो कोई रिलेटिव भी हो,
या कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो या कोई साथ वाला हो, वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, आपकी केमिस्ट्री मिले तो कहते ना कि दोस्ती हो जाती है। तो मेरी भी दोस्ती ऐसी है, कुछ मुझसे बड़े हैं, कुछ मुझसे छोटी हैं, कुछ मेरे जितनी हैं, कुछ मुझसे बहुत छोटी हैं, बट वो मेरे दोस्त हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अपने शो में दावत दूंगी मेरा बहुत प्यारा दोस्त, मेरा पार्टी फ्रेंड, तो कहते हैं पार्टी हो रही है तो मेरे साथ कहीं ना कहीं पार्टी में कहीं ना कहीं मुझे मिलता ज़रूर है। एंड ही इज़ वन ऑफ द टॉप 10 फोटोग्राफर्स ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर नाइकन एंड ही हैज़ डन रियली रियली गुड वर्क। एंड उसके बाल जो हैं वो वैसे ही लोगों को बड़े पसंद हैं और लोग उसके बालों से उसको पहचानते हैं, लेकिन मैंने अभी देखा है कि उसने बाल अपने कट करवा लिए हैं, लेकिन हमेशा से वो एक वेवी और एक कहते गुजले हुए बालों में हमेशा से हमें नज़र आया है और मेरे दिल के बहुत करीब और मेरा उसका बहुत पुराना साथ है। एंड वी हैव वर्कड टुगेदर एंड आई नो हिम रियली वेल एंड ही नोज मी रियली वेल टू। सो लेट्स सी, आई वेलकम उस्मान परवेज मुगल, जिसको मैं ओपीएम कहती हूँ और दुनिया उसको ओपीएम के नाम से जानती है। आए, इन्होंने बाल कटवा लिए में, इनके बाल शॉर्ट हो गए में, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि he doesn't have, he has such a curly and you know frilly hair. Many thank you. I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक. It's pleasure to have you. Yeah, pleasure to be here. Thank you so much for having me. And a beautiful set. And I want to wish you guys and your team all the best, all the very best. थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू शुड हैव अ सीट, विल टॉक अबाउट इट। अच्छा, मेरी जो दूसरी मेरी जो दोस्त हैं वो मेरी बहुत एक प्रोफेशनल ताल्लुक भी उनसे पर्सनल ताल्लुक भी बन चुका हुआ है। प्रोफेशनल इसलिए क्योंकि मेरा उनका प्रोफेशन एक था और वो मेरे से बहुत अच्छा काम करती हैं और आई लव हर डिज़ाइन, शी हैज़ वेरी गुड स्टोर्स इन लाहौर एंड पीपल रूल ओवर हर डिज़ाइंस। तो शी इज़ सायरा रिजवान और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो भी। Assalamu alaikum, Saira, how are you? Looking amazing. I love your court set. I love your design. I love your, you know, and I love your dress. It's so vibrant or according to the occasion. पता है मुझे लोग कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि आप तो हर वक्त ही शादियों पे होती हैं, हर वक्त आपका काम है शादियां अटेंड करना। अच्छा है ना, ये लाइवली है, हर वक्त आप प्यार ही रहती है, कितनी बनी रहती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, मुझे तो आपको देख के शी इज़ वन ऑफ माई क्रश, आई ऑलवेज टेल हर कि शी इज़ सो ब्यूटिफुल, तो इससे इंस्पिरेशन भी आती रहती है। शी वेयर सो मच गुड डिज़ाइंस एंड कलर्स, सो वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, इट्स ऑल योर लव। प्लीज़ हैव अ सीट विद अस, वील टॉक अबाउट योर वर्क एंड एवरी थिंग। अब मेरी जो एक तीसरी दोस्त हैं वो मेरी एक पर्सनल एडवाइज़र, मेरी एक डॉक्टर, मेरी एक कहते हैं ना कि पर्सनल आपका एक इमोशनल एक सोशल ताल्लुक उनसे होता है, ऐसा ताल्लुक जो मेरी डॉक्टर से कम मेरी सोशल थेरेपिस्ट ज़्यादा है। हर शो में वो नज़र आती हैं, हर स्क्रीन की वो जीनत होती हैं, जिधर जाएं वो अपने जादू जलवे बिखेरती हैं। उनका नाम है डॉक्टर मासूमा, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो डॉक्टर मासूमा प्लीज़। Assalamu alaikum. It's always been, you know, lovely and a sign of spring to have you around. Thank you. और बड़ी positive feel हमेशा से इनसे आती है। तो इतना अच्छा लग रहा है इस set पे आके तुम्हारे साथ है ना, and what a personality जो यहाँ पे खड़ी है, और it's best of luck इस show के लिए। It's all your love. और सारी team को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so much, Dr. Masuma. Please have a seat around. अच्छा, जो मेरी चौथे guest हैं वो मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी सहेली, कहते हैं ना जी सहेली, तो वो ऐसे हैं मेरे साथ कि जब मैंने गॉसिप करनी होती है ना तो मैं कहती हूँ यार फ़ोन मिला और कुछ गॉसिप नहीं हो रही, मुझे किसी के बारे में नहीं पता लग रहा, कौन किधर है, कौन क्या है, मीडिया में कौन है, मीडिया से आउट कौन है, कौन गया, कौन आया, किसके घर औलाद हुई, किसकी बेटी हुई, किसका बेटा हो, कौन रोती है, कौन हंसती है। तो वो मेरे एक ऐसा मेरा दोस्त, ऐसा मेरा भाई, ऐसी मेरी एक जान है जिसका नाम है हमजा शेख, जिसको कल्नरी स्पेशलिस्ट कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं। ही हैज़ अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी, ही कुक्स अमेजिंग, ही कुक्स अमेजिंग अमेजिंग फूड, ही डिज़ाइन अमेजिंग केक्स। आई वुड लाइक टू इन्वाइट हिम ओवर एंड हमजा प्लीज़। बेहतरीन, आपने मेरा तारुफ कराया है। मेरी एक छोटी सी कहते हैं ना बहन, मेरी छोटी बहन बड़े तो अच्छा, आज तो मेरा तारुफ आपने में ओवरलैप कर दिया, कमाल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतना खूबसूरत सेट,
और आप भी इतनी अच्छी लग रही हैं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर माशाल्लाह थैंक यू सो मच हमजा बट ही इज लाइक वी बोथ आर अ गॉसिप क्वींस एंड वी वांट टू गॉसिप एंड वी गॉसिप टुगेदर बाय कॉलिंग ईच अदर रेपुटेशन खराब हो जाएगी आज हेलो खैर से थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ और इतने अच्छे तरीके से हम सबको साथ लेके चलने के लिए हर कोई इतना वार्म और इतना अच्छा नहीं होता हिना के पास आपको हर तरह के लोग मिलेंगे हर तरह के दोस्त मिलेंगे तो यू आर द बेस्ट थैंक यू सो मच प्लीज हैव अ सीट थैंक यू दोस्ती वही होती है जो कि हर फिके से हर ताल्लुक से की जाए हर तरह की एज फैक्टर से की जाए ज़रूरी नहीं है कि दोस्त अपने ही एज के हों दोस्त ये होते हैं कि आपको हर छोटा बड़ा बुजुर्ग मेरे तो हर तरह के दोस्त हैं मतलब कि मेरे तो इतने दोस्त हैं कि मैं वीकेंड के वीकेंड ना वो कहते नहीं फ़ोन करके होती हूँ कि यार आज किधर आज किस ग्रुप में क्या हो रहा है ये तो सारी बातें होती रहेंगी नया साल नई खुशी नई रंग नई उम्मीद नए सेट पर नए लोगों के साथ मगर लेते हैं एक ब्रेक वेलकम बैक व्यूअर्स मेरे पीछे जो मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए ना वो अभी मेरी बुराइयां भी कर रहे थे वो कह रहे थे इतनी अच्छाइयां की हैं तो इसकी बुराइयां करूं अभी पीछे से मुझे आवाज़ भी हमजा ने लगाई थी कि इधर बिठा लिया हुआ है लेकिन हम मुझे कुछ खिलाया है खिला तो देना मतलब कि कुछ पिला दें तो इसको पता होना चाहिए मैंने किचन इसके लिए रखा हुआ है अभी हम बनाएंगे आपके हाथ का खाएंगे पर कुछ कुछ है ना भी हमें बाहर से मंगवा के कुछ खिलाया है बारिश हो रही है अपने हाथ का नाश्ता करा रही है समोसे पकौड़े नहीं मुझाते मैं अपने हाथ का नाश्ता करा सकती हूं हुआ ना तो फिर शाम हो जाएगी आप खत्म हो गए आप मंगवा के तो खिला सकती हैं ना अभी अभी मैं तुम लोगों को अपने हाथ का नाश्ता कराऊंगी डन 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 लंच टाइम हो गए अच्छा व्यूअर्स तो इसके बाद मेरे दो दोस्त और हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड्स के माहिर हैं एक मेरी जो फ्रेंड है वो मेकअप आर्टिस्ट है फोटोग्राफर भी रही हुई है लेकिन अब उनका एक ब्राइडल स्टूडियो है सना हमाइयों के नाम से वो अपना ब्रांड ऑपरेट करती हैं तो वेलकम करते हैं सना हमाइयों को सना ऐसे देख रही है सना मुझे ऐसे देख रही है कि मेरी बात कर रही हो कि किसी पड़ोसी की बात कर रही हो ऐसे ऐसे हक्का बक्का अच्छा मैंने आना है तो सना बहुत प्यारा सेट और थैंक यू सो मच और सना ने मेरे साथ प्रोफेशनल काम भी किया हुआ है मेरी मॉडल्स को भी तैयार किया हुआ है मेरे साथ शूट्स भी कराए मेरे और बड़ा अच्छा स्टार्ट रहा हुआ है और बहुत मज़ा आता है हम लोगों को काम करने का क्योंकि कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह तो मैं इनको प्रोफेशनल भी जानती हूँ और ये अब असल की असल राज बता दूं थोड़ा सा बता दूं बता दो यूनिवर्सिटी में मेरी सीनियर थी जूनियर सही है सही है मैं इसकी जूनियर थी आप इससे एज का अंदाजा लगा लें इट्स ओके कितना 18 की है वो 18.5 की थैंक यू सो मच 18.5 ये 18.5 दोनों दोनों उम्र चोर बोल लो मैं उम्र खाऊं मुझे पता है हां वही उम्र चोर है मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो मेरे बचपन की दोस्त है उसको मेरे सारे इन आउट्स का पता है हर चीज का पता है उसको मेरे फेवरेट कलर से लेके मेरे आने जाने का मेरे बंक करने का मेरी हरकतों का सब कुछ पता है और वो माशाल्लाह से एजुकेशनिस्ट हैं शी लिव्स इन दुबई और शी इज़ डूइंग वेल डन एंड शी इज़ डूइंग वेरी नाइस वर्क फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन दुबई तो लेट्स कॉल हर परवा आ जाओ Thank you so much. Though. I am so happy to see you, Hina, over here. And really, she is such a hardworking person, such a nice personality, and a beautiful person inside out. Yes, I mean, because I'm saying here, but this, she truly deserves this. Really, a very hardworking person. अंदर से क्यों मुझे बातें कह रही है अंदर से कह रही है तुम तो ये तो तुम बचपन से करती रहती थी बचपन से तुम ये ड्रामे करती थी कॉलेज में भी करती थी अभी भी कर रही हो कोई नहीं हेना को सर मैं कह रही थी हेना यू डिजर्व दिस तुम्हें करना ही चाहिए यार मिशन के लिए तुम करो मेरे का अच्छा अच्छा देखेंगे 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 एक दिन देखेंगे एक दिन वो आ गया वाकई सो वेरी नाइस सेट एंड बेस्ट ऑफ लक हेना टू योर एंटायर टीम प्लेजर इज ऑल माइन फरवा और फरवा सबसे बड़ी बात है पता है फरवा जब दुबई से आती है शी गेट्स ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फॉर मी मैं चाहने का वेट कर रही होती हूं बस अब फरवा से हमारी भी दोस्ती हो जाएगी ना ओके आई लाइक हर मिस प्लीज प्लीज मैंने तो नंबर ले लिया पहले से डबल कोऑर्डिनेट करके थैंक यू ये तो था मेरा लाउंज बट एक खास दोस्त जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है
और वो बहुत पाकिस्तान के हर दिल के करीब हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और मेलोडियस वो इतनी ज़्यादा हैं, खूबसूरत वो इतनी ज़्यादा और एवरग्रीन उनकी ब्यूटी हमेशा से एवरग्रीन रही है। मैंने उनको हमेशा से ऐसे देखा है और माशाल्लाह बहुत वेल मेंटेन, वेल स्पोकन, वेल क्रेडिटेड वुमेन। आई वॉन्ट टू कॉल फरिया परवेज जो कि हमारे बहुत से कहने के बाद आज आई हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि उनको अकेले बुलाऊँ किसी पूरे शो में, बट मेरी फ्रेंड्स में से एक न्यू मेरी म्यूचुअल फ्रेंड बनी है, आई वॉन्ट टू वेलकम हर। अस्सलामुअलैकुम भाई, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच फरिया, स्टनिंग माशाल्लाह। रिसेंटली फरिया मुझे मिली एंड वी क्लिक टुगेदर। यस, और फरिया का मैं बताती चलूं कि फरिया ने एक बहुत बड़े लेवल का माशाल्लाह एक स्टूडियो ओपन किया है। शी इज नाउ डूइंग अ वंडरफुल मेकअप एंड सैलून सर्विसेज दे रही हैं और इसके बारे में इन्होंने भी मेरे साथ शूट किया एंड आई रियली लव्ड हर वर्क। आप लोग विजिट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। इसके अलावा ये गाती बहुत प्यारा है, वो तो कोई शक ही नहीं है ना, और हम इनको हमेशा से सुनते रहे हैं। बस है ना, दरअसल वाकई ये क्लिक करने की ही बात है क्योंकि जब भी अब जाहिर है सैलून बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब ओवरऑल जो लुक होती है एक ब्राइड की। सो उसके लिए मैंने मेरी कभी ज़रूरत नहीं हुई कुछ मांगने की या ज्वेलरी के बारे में किसी से भी कुछ कहने की, कभी कहा नहीं। शी वाज सो डाउन टू अर्थ, आई मुझे कहती है अगर इसके साथ, अगर मुझे ऐसे कहें अगर ये ड्रेस के साथ कुछ ज्वेलरी हो, मैंने कहा फरिया बिल्कुल फिक्र ना करें, सारा कुछ आपको मिलेगा अंडर वन रूफ। बहुत प्यारा काम है हिना का, इसका माशाल्लाह बड़ा ही डिफरेंट सा मुझे एक लगा स्टाइल क्योंकि बहुत हर वक्त जोड़े तो हम देखते ही रहते हैं, जाहिर है सारी जिंदगी हम लोगों ने जोड़ों से ही सारा प्ले किया है, मगर बहुत डिफरेंट माशाल्लाह स्टाइल है एंड आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। इवन ज्वेलरी के पीस बहुत हसीन है, सो आई एम श्योर आप इसी हवाले से आप मेरा भी जो सैलून का पेज है वो देखेंगे तो उस पर आपको यकीनन नजर आएंगे वो जोड़े और ज्वेलरीज। और आज तो मैंने कहा मैं और पक्का कर लूँ ना इस बात से। थैंक यू सो मच, आप आई हैं और आपने अपना टाइम दिया है, इट्स लाइक मोर देन एनीथिंग फॉर मी, प्लेजर इज ऑल माइन। बट वी नीड टू रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम यू बिकॉज़ वी वांट टू लिसन समथिंग फ्रॉम यू क्योंकि besides being you know makeup artist and whatever, you are a melody artist main too. Yeah, I have been a singer all my life. Yeah, you always been a singer. आज भी मैं basically तो गाने ही के उसमें मेरा दिल शुमार होता है हमेशा से। क्यों ना आ जाऊँ और मैं आपके साथ गाना share करूँ, because I'm just going to release this inshallah video. अभी video मैंने बनाया नहीं है, मगर मैंने कहा चलें एक बहुत talented artist हैं समी खान जिन्होंने रांझा रांझा कर दी उसका भी टाइटल सॉन्ग उनका है एंड ही कीप्स मेकिंग गुड मेलोडीज माशाल्लाह फॉर मी आल्सो एंड ही रोड दिस सॉन्ग आल्सो, इट इज अ वेरी गुड लिरिसिस्ट। सो व्हेन वी आर वाचिंग दैट सॉन्ग है ना, बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह सो प्लीज ग्रेट, इट विल बी ऑनर फॉर अस, इट्स अ प्लेजर।
आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी इस लाउंज में हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फरिया जी, जिन्होंने बहुत अपना इम्पॉर्टेंट वक्त निकाला है, वो बैठी हुई हैं। फरिया जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि आपका ये जो ट्रांजिशन पीरियड है म्यूज़िक से मेकअप आर्टिस्ट का जो सफ़र है, ये कैसा गुजरा है? ना, अगर एज अ बिजनेस देखा जाए ना, तो उस हिसाब से तो इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा, मैंने कहा पता नहीं नौकरी और बिज़नेस की बात हो रही थी, उसने कहा कि नहीं नहीं बिज़नेस तो ज़्यादा मुश्किल होता है, होता है ना कि नौकर की तनख्वाह की वाला, कि नौकर तो नौकरी कर रहा होता है, मगर जो बिज़नेस है ना उसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन बिकॉज माशाल्लाह इन दिस शो बिज फॉर सो मेनी ईयर्स, सो मेरे लिए अच्छा भी बहुत मज़े का है, आई गॉट सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, तो इंशाल्लाह मैं आऊँगी फिर इस बारे में। अच्छा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे बात करते हैं, नया साल चढ़ गया हुआ है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आप क्या समझती हैं कि वेयर यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ, और फिर हमारे शो के ऊपर आपको क्या चीज़ डिफरेंट लगी है? आपके शो के अंदर मुझे ये एक तो बड़ा माशाल्लाह कलरफुल सेट है, एंड यू आर माशाल्लाह कलरफुल कलरफुल, और फिर इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स आपने बुलाए हुए हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इस साल माशाल्लाह आपका अब इस मॉर्निंग शो से शुरू हो रहा है और ए प्लस पे ये मॉर्निंग शो हम देखेंगे इंशाल्लाह रोज़ाना। अब वो पता है ख़वातीन तो वैसे ही दिन शुरू ही मॉर्निंग शो से होता है, ना लगाएं ना, जैसे बंदे खबरें ना लगाएं तो उनको चैन नहीं आता। इस वक्त आपको देख रही है मॉर्निंग शो में, वो कह रही है जी फरिया जी भी साथ बैठी हुई हैं और वो देखना चाह रही थी कि फरिया जी आजकल क्या कर रही हैं, हमने उनको बता दी कि फरिया जी तो इस वक्त मेकअप कर रही हैं और बहुत अच्छा मेकअप। आई नो, बस मैं यार मेरी बड़ी कोशिश होती है जितना नेचुरल हो सकता है हर चेहरे के हिसाब से, हर एज के हिसाब से। सैलून कहाँ लोकेटेड है? हमें अभी मैसेजेस भी आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पे भी, आप देख सकते हैं कि लोग अभी मैसेजेस कर रहे हैं और कॉल्स भी हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह फुल गेस्ट हैं, हम उनसे पहले बात करके उनके बारे में पूछें। लेकिन आप बताएं आपका सैलून कहाँ? जी मेरे पास भी इस जवाब के बाद एक बड़ा मज़ेदार सा एक सवालों का सिलसिला है जो हिना को नहीं पता। तो मेरे जो मेरी बिकॉज फैमिली जी मेरे पेरेंट्स रहते हैं बहरिया टाउन में, सो मेरे लिए आसान यही था कि मैं बहरिया टाउन ही में, मेरी मदर तबीयत सही नहीं रहती थी तो मुझे बहुत आना जाना पड़ता था, तो वो उसकी वजह से मैं फिर बहरिया ही में मैंने सैलून बना लिया। और 2022 वाज बट नॉट बिट बट आई इट वाज अ ग्रेट लॉस, द ह्यूज लॉस ऑफ माय लाइफ। आई लॉस्ट माय मदर इन 2022 फरवरी के एंड में। उसके अलावा बस मुझे भी ये लगता है कि रेजोल्यूशन इंशाल्लाह यही होनी चाहिए हम सब की कि हम पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी सोचों के साथ और ह्यूमैनिटी पे बेस करके अपनी जिंदगी को गुजारना। आज गाने में भी थोड़ा दर्द देखा मतलब कि दर्द देखा कि आई कैन रिलेट इट, कि 2022 वुड बी लाइक अ बिग लॉस। इट वाज वेरी पेनफुल, और पता है ना सोज होना जरूरी है, साज के साथ सोज का होना बड़ा जरूरी है, मुझे ये भी समझ आई है इन चंद सालों में। ये बातें बहुत ही खुली भरी है और बहुत ही वेटेज वाली है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह। हाँ जी, मेरे पास आज है ना आपके शो के हवाले से, आपके सारे फ्रेंड्स क्लेम करते हैं जी आपके बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब ये लोग लेट्स सी के देते हैं कि नहीं। ये असल दोस्त है कि ये रेंटेड है। अच्छा, मिलेगा क्या इनको? कब मिलेगा ये देखिए ना, ये कब देख सकते हैं? एक एक दो दो दूंगी। ये कहेगा बनाया लेकर मैं आया और ये दे सबको रख गया। नहीं नहीं, खाएंगे सब खाने के लिए। भूख लग रही थी। अच्छा जी, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन देन। क्या ये? अच्छा तो उस्मान, हिना का फेवरेट कलर क्या है? इट्स अ टफ वन, सिंस आई थिंक जो तुम्हारी एक ब्लॉसमिंग सी और खिली सी पर्सनैलिटी है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट डे ऑन योर शो एंड यू थिंक आर यू श्योर? आई थिंक यू नो सम ब्राइट कलर्स। व्हाट आर द ऑप्शंस? डू वी हैव ऑप्शंस? हाँ जी, यस वी हैव ऑप्शंस। अच्छा जी, हमारे पास ब्लू है, येलो है, रेड है और ब्लैक है। आई एम कंफ्यूज बिटवीन येलो एंड ब्लैक, because I've seen her a lot of times in black and but yellow ek acha color hai, so I would go with yellow. Aur ho bhi sakta hai yellow kyunki aaj jitni inhone basant ki baat ki hai, it was all about yellow. Okay, and acha ji Saira, ab aap bataye in options mein mera khayal hai ki she would be going for black. I think
वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है मिस की, तो फिर रेड विल ऑल्सो गो। जो भी रंग पहने उसको सूट करता है और सब इसकी फेवरेट कलर्स हैं, येलो रेड ब्लैक। तो इसका लेकिन जो हॉट फेवरेट और मुझे लगता है और आई नो दिस दैट इज येलो। अच्छा ओके, येलो दो हो गए हैं और हिना मुस्कुरा भी रही हैं। और हमजा आपके पास क्या जवाब है? मैं बताता हूँ, हिना शी इज वेरी वाइब्रेंट जिस तरह सब बता रहे हैं, ऑलवेज शी इज ऑलवेज हैप्पी एंड माशाल्लाह शी इज डूइंग ग्रेट। तो मेरे ख्याल से सम कोई जरा पिंक शिंग, कोई जरा हैवी, कोई इस तरह का जरा तेज रंग है ना, समथिंग रेड पिंक समथिंग फूशिया फूशिया, हां है ना, कुछ इस तरह का। यार यू कैन क्योंकि मैं पहन के भी येलो इसलिए आई हूँ कि मुझे पता था कि इसका भी येलो ही होगा। अच्छा तुक्का या नहीं है? तुक्का नहीं, यकीन के साथ, यकीन के साथ। चलो जी, हाँ जी, माई फेवरेट कलर इज येलो। People who have voted yellow are all the winners, and you can just have this cupcake now. ये तो सारी बातें होती रहेंगी, नया साल नई खुशी नई रंग नई उम्मीद नए सेट पर नए लोगों के साथ, मगर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अब हम देखते हैं और सबसे ज्यादा जो क्लोज फ्रेंड मुझे लगा है वो हमजा, क्योंकि जितने हमारे फोड़े हैं ना तो सारे हमजा ने फोड़े। मैं पकड़ता हूं मैं हिना को जाके, वो हम गॉसिप की इसीलिए शुरू में बात कर रहे थे ना, सच की गॉसिप की नहीं, हमारा सच गॉसिप बन गया। यानी फिर कूलर आप लेंगे? कूलर मैं और वॉशिंग मशीन भी मैं ही ले जाऊं। शौक से तुम लोग बातें करते हो ना आपस में, वो लगता है गॉसिप है, होता है सच ही, सच है। अच्छा जो हिना को कौन सा वाला अवार्ड मिलना चाहिए? ठीक है जी, मेलोडी क्वीन का, मेकअप क्वीन का, सेल्फी क्वीन का, ड्रामा क्वीन का, गॉसिप क्वीन नहीं आ रहा है। गोप्रो लगा के जाती है शादी, इधर लगा होता है ना, और लेती भी ऊपर से है तो ये ऊपर से बड़ा हमजा तो वो राज बता रहा है। कमाल हो गया भाई, हमजा ये सारे आपने खाने हमजा ये सारे कपकेक्स आपके हैं। मैं खा जाऊंगा, नॉट 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 एन इशू। अच्छा चलो जबरदस्त, ओके अभी और सवाल हमने करने हैं ना। अच्छा जी ओके, ये है अगर ना डिजाइनर ना होती तो क्या होती, मेकअप आर्टिस्ट, लॉयर, डर्मेटोलॉजिस्ट या शेफ? इस दफा केक मेरा होने लगा। अच्छा जी, तो सही जवाब जो है आप सारों के गलत जवाब है।
मुझे था कि मैंने कहा ये ना होती तो ये किचन में ही होती है। अच्छा। और है ना, जब भी सबको बुलाती है तो बैलेंस बड़ा अच्छा रखती है, सबको टाइम देगी, सबके पास जाएगी, सबको पूछेगी। फिर ये एंड में मैं जाऊंगी तो मैं चुक 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 करके खाऊंगी कैसे? नेल्स लगे होते हैं ना यहाँ में होते हैं तो फिर उंगली ऐसे होती है। ओके आप खा नहीं सकते नेल्स के साथ सही तरह? नहीं ना खा लेती है। रुक जाओ ना, जा रहे हो तुम मोर? अच्छा जा रही हो, फिर वो इस तरह हो जाता है। हाँ जी, अगला सवाल है जी, ये बस लास्ट क्वेश्चन जी, जल्दी से बताएं आप मेरे बारे में ताकि मुझे पता लगे कौन मेरे बारे में। हिना का फेवरेट मेल एक्टर, ऑप्शंस हैं शाहरुख खान, फवाद खान, ये तो तुम सबको बताना चाहिए, सलमान खान या बिलाल अब्बास। सलमान खान होना चाहिए। शाहरुख, सलमान खान। सलमान खान, सलमान खान इसलिए क्योंकि मेरे शादी में तो सलमान खान से की थी, इसलिए मुझे सलमान खान पसंद था। अच्छा सलमान खान, लो जी मेरा काम पूरा हुआ। हाँ जी हिना, अब आपने ये बताना है कि आपको सबसे ज्यादा इन सारों में से कौन अंडरस्टैंड करता है? हमजा तो मेरी बाजी निकली। आज मैंने हिना मुझे ले बैठी है, पहले छोटी बहन बना दिया, बड़ी बाजी बना दिया, मेरा काम हो गया आज है। आज से सबने मुझे पकड़ लेना है, तुम बाजी भी होते सबको बहुत कुछ पता है लेकिन हमजा को सब पता है। अच्छा मुझे मान की बार बार उसकी आंखों से इशारे आ रहे हैं कि he has to go somewhere, he's a very important personality, आजकल दिन ही ऐसे हैं काम के, and he has a shoot, we wish him best of luck for his upcoming projects and shoots, and he's always been very, you know, close to me, a part of me. जहाँ पारी हो रही है वहाँ उस्मान मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू हिना, एंड सबसे मिलने का मौका मिला स्पेशली फॉर यू, आई हैव बीन अ फैन, प्लेजर, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ब्यूटीफुल शो, ब्यूटीफुल सेट, ब्यूटीफुल टीम, सारे बहुत बंदे यहाँ खड़े हैं। ये ना बोला सर जाके तो मुझे स्नैप पे बता रहे हो कि ये तुम, आई टैग यू इन अ कपल ऑफ स्टोरीज सो यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम एंड चेक, प्लीज डू टैग मी, उस्मान जहाँ टैग करें वहाँ आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा। यू डोंट नो। अच्छा हां, चलिए थैंक यू, रियली गुड टू नो यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। क्या ब्रेक के बाद हाजिर होगा, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ रहेगा धनक सबके सारे रंग ए प्लस के साथ। खुशामदीद दोस्तों का सिलसिला जारी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स चले गए हैं, आपने देखे होंगे सोफे खाली हैं, मगर उनकी जगह मेरी बहुत प्यारी दो दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है। एक है अमारा जिनका निकनेम है एमी, जिनको लोग एनी भी कहते हैं, एमी भी कहते हैं, शी इज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल एज मॉडल, एंड द अदर वन इज निर्मान, आई लव हर नेम एज वेल एज पर्सनैलिटी, शी इज वेरी गॉर्जियस, थैंक यू सो मच, एंड शी डज पीआर एंड हर कंटेंट इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, थैंक यू, यू लुक ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अच्छा टेल मी अबाउट थोड़ा सा अपना काम के बारे में। सो आई एम बेसिकली एन इन्फ्लुएंसर एंड मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ, एंड आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग पीआर एज वेल, एंड मैंने एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एंड आई एम डूइंग लाइक पैसिव रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स नाउ। अच्छा वो वाली वीडियोस नहीं होती एकदम से पर्दा आता है एकदम से लड़की उड़ जाती है, ट्रांजैक्शन वीडियोस, that is called transition videos, but I love to see that videos wo ekdam se aise hui kapda apne kaam aa gaya ro ke aa gayi, so is her videos are amazing, thank you do so check much check her page and she does thank amazing thank you so work. much thank as you well so as much as well as Emmy does wonderful modeling,
एंड इसने मेरे कपड़े पहन के मॉडल भी किया हुआ है एंड शी लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस ब्राइड. अच्छा गाइज, अभी भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, मैं भी अपने सेट के पीछे पीछे से आ रही हूँ और देख रही हूँ कि इधर अब कौन है इस लाउंज में. हमजा, तुम वैसे केक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, अभी तुमने बहुत से काम करने हैं और केक और बड़ा मुझे खूबसूरत सा और अच्छा डेकोरेटिव केक चाहिए. मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए. इसके साथ साथ हमारे साथ मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर अजीम शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. वो कहे अब मेरे दोस्त बन जाएंगे इस साल इंशाल्लाह. अगले साल आपको मेरे दोस्तों की फेहरिस्त में मिलेंगे अगर नहीं है तो. लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अराउंड. अजीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि 2023 में जायचा क्या कह रहा है, और सिर्फ ये बता दें कि हमें कहीं से पैसे आ रहे हैं. सब पे यही क्वेश्चन होता है कि इस साल 2022 में तो पैसे नहीं आए, तो पॉलिटिकल कंडीशन पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो और डिफरेंट जोडियक साइंस का अपना अपना एक अप्रोच है, उसके अपने जो पैसे आ रहे हैं कहीं के जा रहे हैं. मेरे जोडियक साइन में पैसे तो मेरे, मुझे बता दें प्लीज. अच्छा, आज बता दें. आपका और उस्मान पहले चले गए, उनका एक्वेरियस बनता है. एक्वेरियस के पास पैसे आने वाले जरूर हैं, लेकिन उनका एक शॉर्ट स्पैन आ रहा है जिसमें उनको फेम और पॉपुलैरिटी मिलने वाली है. मतलब कि पैसे नहीं आएंगे, फेम आएगा. नहीं, जब फेम आपके पास आता है तो उसके साथ पैसे भी आ जाते हैं. तो ये साल जो स्टार्ट हो रहा है, आपकी बिगिनिंग बहुत अच्छी स्टार्ट हो रही है. एक्वेरियंस की खास तौर पे सजिटेरियस की बहुत अच्छी स्टार्ट हो रही है और एरीज की बड़ी अच्छी स्टार्ट हो रही है. इनकी ट्रैवलिंग भी बन रही है, बाकी सारी चीज़ें बन रही है. अगर ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में देखा जाए, हम पाकिस्तान को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. 2022 का जो साल गुजरा, ये एक टफ ईयर था पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए. लेकिन 2023 के पहले क्वार्टर तक ये सारा सिनेरियो ऐसे ही चलता रहेगा. लेकिन मार्च के बाद जो बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, वो बिल्कुल होगी. और हमारे शो के बारे में बताया ना कि शो कैसा जाएगा, पहले ये बताएं ना. आपका शो अमेजिंग सेट, बहुत खूबसूरत, बहुत वाइब्रेंट, बहुत कलरफुल. मैं पहले भी शो करता रहा हूँ, लेकिन ये सेट आउट ऑफ द वर्ल्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके लिए वैसे मैं कहता हूँ सबको क्लैप तालियां. मेरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया. They have worked day and night for this. इसमें बहुत से लोगों की मेहनत शामिल है और जो हम आपके सामने आज यहाँ पे आपने देखा ही है, हमने आपके साथ शेयर भी किया है और इंशाल्लाह करते रहेंगे और आप हमेशा हमारे गेस्ट बनते रहेंगे, आते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा. तो पर या एनीथिंग यू वांट टू आस्क मासूमा जी, आप पूछना चाह रही हैं अपने बारे में कोई एक बात पूछना. एस्ट्रोलॉजर होता है मेरा चाहता है मैं सारा कुछ पूछ लूं, बताएं मेरे क्या होगा क्या नहीं होगा. नहीं, आपने 2-3 साइंस के बारे में बोला तो मुझे लगा कि बाकी साइंस जिसके हैं ना वो लेफ्ट ओवर फील करेंगे. तो आप कुछ कैंसेरियन टॉरियंस इनके बारे में बता दीजिए. अच्छा, मैं उसमें बता देता हूँ. देखिए, अगर एरीज से अगर हम स्टार्ट करें तो एरीज का टाइम काफी अच्छा चलने वाला है. थोड़ा सा टॉरस के बारे में बताते हैं. टॉरियंस का इस वक्त बड़ा मिक्स चल रहा है, कंफ्यूजिंग इस वक्त चल रहा है. अगला साल के जो पहले 4 महीने हैं, फर्स्ट क्वार्टर जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. वो जॉब चेंज कर रहे हैं, बिजनेस चेंज कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे आके जैसे ही आपका अप्रैल स्टार्ट होगा, टॉरस को वहाँ जाके उसके बाद फायदा होगा. जेमिनाइज के बारे में मेरे ख्याल आपका जेमिनी, ओके, जेमिनाइज के बारे में अगर ये कहें, थोड़ा सा उनको अपने करियर को रीशेप, रिवाइव करना पड़ेगा अपने बाकी सारी चीज़ों को. पीछे जो मामला देखें, जेमिनाइज अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा नथी कर रहे हैं अपने साथ इस वक्त, खास तौर पे पिछले 3 महीने से. वो आगे जो 2 महीने आने वाले यहाँ पे, जब वो अपनी चीज़ें रिवाइव करेंगे, वहाँ जाके चीज़ें काफ़ी सारी बेटर हो जाएंगी और बेटर होने की कंडीशन में आ जाएंगी. तो चीज़ें वहाँ जाके जब पॉजिटिव हो रही हों, आपके पास पॉजिटिव टाइम हो, तो उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको अपने पास्ट के साथ नथी करें. कैंसेरियंस के बारे में भी यही है. कैंसेरियंस इस वक्त ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बहुत सारे कैंसेरियंस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, नई जॉब, नए बिजनेस, नया काम, नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं. मेरा उनको मशवरा यही है कि जो फर्स्ट क्वार्टर के बाद टाइम आएगा, बल्कि सेकंड क्वार्टर के बाद, मई जून के बाद जो टाइम आएगा, वहाँ जाके टाइम ठीक है. उससे पहले बिल्कुल भी कोई भी प्रोजेक्ट जो चल रहा होगा वो स्लो रहेगा, स्लो डाउन रहेगा. चीज़ें वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है. नेक्स्ट हम आहिस्ता आहिस्ता सबको ही फिर कर लेते हैं रीड. लियोज के बारे में अगर बताया तो लियोज एज ऑलवेज डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग. हाँ जी, आप अपना अंदरूनी अंदर का एग्रेशन निकाल रहे हो. वो बिल्कुल है. लेकिन इस वक्त जो अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, प्लान जो कर चुके हैं, वो ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन पे आ चुका है. और वहाँ पे आगे चीजें काफी सारी प्रोडक्टिव है और लियोज को पैसे आने वाले. अगर आप लियोज जानने वाले हैं तो जानने वाले उनके साथ दोबारा ताल्लुक जो है रिवाइव करें. अच्छा, मुझे तो फरिया जी का स्टार. अच्छा, आपने सबसे पहले पूछा ही उसके बारे में.
क्योंकि मुझे आपका स्टार पता था। एक्वेरियन है आपको इस वक्त तो अल्लाह ताला बड़े मेहरबान है। 2023 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। एक्सपीरियंस को खास तौर पे ट्रैवल का, सडन ट्रैवल का चांस मिलेगा, उसमें रिलीजियस ट्रैवल भी आ सकता है, ये सारी चीजें आ सकती हैं। और अगले साल में पैसे से भी जो भी हमारे पैसे आ जाए, हमें और सबसे पहले वही सवाल पाकिस्तान के हवाले से, अगर अपना मुल्क खुशहाल है, अगर हम हमारे लोग खुश हैं, हमारे बहुत सारे आपको पता है कितने इशूज तो हैं साथ साथ जो चलते रहते हैं, आसानी अल्लाह पैदा करे, आमीन। तो लिबरल्स के बारे में अगर कहते तो बता देते। बताएं जी, लिबरल्स के बारे में, वो कैंसेरियन खड़ा हुआ है, कैंसेरियन बड़ी अच्छी बातें की हैं, वो कैंसेरियन सामने खड़ा हुआ है ना, बस वो ऐसे सुन रहा था जैसे पता जो भी यहां से पैसे टुक 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 के आएंगे और और हमजा आ ही ना जाए पैसे, ऐसे नहीं कहना इंशाल्लाह, बल्कि ना ट्रैवलिंग शुरू होने वाली है तो जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करा, घूमने फिरने का तो प्लान बन रहा है, बिल्कुल प्लान बन रहा है, सेविंग फॉर इट। अच्छा वो ये कहते हैं कि जाए ना जाए इंसान, प्लान करने का जो मजा आता है ना कि यहाँ जाएंगे ऐसे करेंगे, क्या कहते हैं शेख चिली, उसका भी बहुत मजा आता है ना, बंदा सोचता रहे और एंजॉय करता रहे और बाद में होए ना होए पर एंजॉय कर रहा है, शेख चिली की और शेख को मुखातिब। तो लिबरल्स के बारे में यही है कि इस वक्त जो जिन लिबरल्स की शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादी होने वाली है। अच्छा छोटी उम्र के जो लिबरल्स हैं 18, 19, 20 उनके बच्चों की बड़ी जल्दी शादी होने वाली है, उनके बड़े जो प्रपोजल और ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो जॉब्स कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं या जो स्टडीज़ में आगे करना चाहते हैं उनकी भी इस वक्त चांसेस बड़े अच्छे हैं। वैसे हेल्थ इश्यूज़ हैं इस साल में, थोड़ी सी डोमेस्टिक लाइफ का भी थोड़ा सा है, लेकिन चीज़ें न्यूट्रल हैं, कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट स्कॉर्पियो की तरफ आ जाते हैं, तो स्कॉर्पियो इस वक्त फुल स्विंग में है इस वक्त, और बड़े बहुत सारे काम बिच्छू लेकिन वो इस वक्त डसने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन फुल स्विंग में अपने इस वक्त एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं, काम होंगे भी, ट्रेंडिंग भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उनको स्कॉर्पियंस को इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंटली अपने डोमेस्टिक इशूज़, सिबलिंग्स के साथ जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इस वक्त चल रहे हैं। अजीम साहब एक फरमाइश आई है, वर्गोस कैसे होते हैं और उनका कैसा ये पीरियड चलने वाला है और ये साल उनके लिए कैसा है? हाँ जी, वर्गोस के बारे में आपको ये बता दूं कि वर्गोस इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन चल रहे हैं, वर्गोस और सजिटेरियस ये दो टॉप ऑफ द लाइन चल रहे हैं। ये साल जो 2023 स्टार्ट हुआ है ये दोनों को, वर्गोस को और सजिटेरियस को, इतने पैसे देने वाला है, इतनी पॉपुलरिटी फेम देने वाला है कि मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना काम नहीं किया होगा या इतना पैसा नहीं कमाया होगा, बस जो भी पूछ रहा था ना उसको कोई वेरी गुड। और अगर ऐसा ना हुआ तो अजीम साहब तो बैठे होते हैं शो में, सजिटेरियस मैं हूं खुद सजिटेरियस मैं खुद हूं, इसलिए मुझे भी थोड़ा आइडिया हो रहा है कि चीजें बहुत सारी चेंज होने वाली है। स्कॉर्पियंस के बाद वही सजिटेरियस आ गया, सजिटेरियस फुल स्विंग में है, पूरा काम कर रहे हैं, पूरी एनर्जी यूज कर रहे हैं, और ये साल 2023 सजिटेरियस जो बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, लेट मैरिजेस थी, उनका इस साल में फर्स्ट क्वार्टर में ही शादियां होने वाली हैं, जो बिजनेस करने वाले थे जो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा ये ऐसी चीज़ है कि व्यूअर्स बहुत शौक से सुनते हैं और हर बंदा अपने आप को रिलेट करता है, और आपको पता है मैं हॉरोस्कोप को इतना फॉलो करती हूँ, ऐसे जैसे होता है ना कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मेरी रोज़ाना पढ़ना और मैं गूगल करके जी आज टुडे व्हाट्स टुडे फॉर मी एंड समथिंग लाइक दैट, बट इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। और यहाँ लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी भी हमारे साथ मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और सिलसिला जारी है, मगर इसके साथ साथ ऐसे लोग जो 2022 में हमसे बिछड़ गए हैं, ऐसे एक्टर्स, ऐसी सेलिब्रिटीज़ जिनकी याद बहुत ज़रूरी है और जो हमेशा से ही जिन्होंने मुल्क कौम के लिए कुछ ना कुछ किया और उनका नाम सर फहरिस्त है, तो अगर उनकी बात की जाए तो नैरा नूर साहिबा सबसे पहले याद आती हैं। रूठे हो तुमको तुमको कैसे मनाऊं पिया, ब्यूटीफुल बहुत मेलोडी, वो ऐसी मेलोडी मेलोडियस वॉइस माशाल्लाह, नैरा आपा पहचान थी पाकिस्तान की।
सच कल्चर्ड वॉइस में उनके, और वो बचपन के साथ जो एसोसिएशन है ना उन मिली नगमों की जो उनके साथ थी, वो क्या बहुत प्यारी चीजें उन्होंने, बहुत प्यारा गाया है ना, है ना, बिल्कुल, और बहुत बहुत कुछ गाया उन्होंने। फैज साहब को इतना गाया, यू नेम इट, कोई भी उनकी मेलोडी उठा के देख लें सारी। और किस कदर उनकी शख्सियत किस कदर भरपूर थी, रूपदार, खूबसूरत सी, बहुत और समझ, बहुत मजहब का बड़ी समझ, बड़ी बड़ी कॉन्वर्सेशन डिस्कशन हुआ करती थी उनसे, मुलाकात होती थी। तो बिल्कुल इसके साथ ही हमारे साथ और भी बहुत से नाम हैं हमारे पास, जैसे इस्माइल तारा साहब हैं और कॉमेडियन थे, और उनका एक नाम था तारिक टेडी, हम देख रहे थे पिछले दिनों, हॉस्पिटलाइज भी थे और जी डाइड। और लेकिन ये कि मुझे एक बात बताएं फरिया और आप सब बैठे हुए इधर, कि जो लोग चले जाते हैं तो क्या उनकी कोई ऐसी चीज़ जो कि हम चेरिश कर सकें और हम याद कर सकते हैं और वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहें, वो कैसी चीज़ होगी, कौन सी चीज़ होगी ऐसी? सेलिब्रिटी का तो सबसे ज़्यादा चेरिश करने वाली बात ही उसका काम है, उसके काम को याद कर सकते हैं, उनकी बातें, उनके डायलॉग, उनके सारा काम। तो ये तो बड़ा, तारिक टेडी साहब जिस तरह इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ओवर द इयर्स, उन्होंने इतना काम किया है, तो उस तरह ऐसे इस्माइल तारा साहब जी, मुझे याद है बचपन हमारा 50-50 वो प्रोग्राम शायद सचता ही उनके साथ था। बिल्कुल, मतलब उनके कितने और इतने उनका मजाक का तरीका भी बड़ा सुलझा हुआ था, अब भी होते हैं मजाक होते हैं लेकिन थोड़ा सा वल्गैरिटी की तरफ मेरे ख्याल से ज्यादा चला जाता है। क्या कॉमेडी की वो वर्थ रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कॉमेडी की डेथ हो चुकी है अब, इस तरह की अब कॉमेडीज हो रही है, स्टैंड अप कॉमेडी का जो एक डिग्निफाइड कॉमेडियन का, अब तो कॉमेडी एक दूसरे को जुगत लगाना वाली बात है, एक दूसरे को बॉडी शेम करना या एक दूसरे के उसको डिस्कस करना पर्सनैलिटी को, इसको अब एंटरटेनमेंट कहा जाता है। बड़े नाम थे जो चले गए, ये डिग्निफाइड एक जो प्रॉपर स्किट्स और कॉमेडी का एक एरा था वो तो बहुत से आर्टिस्ट के साथ एंड हो गया है, उमर शरीफ साहब और बहुत से ऐसे लोग, मोइन अख्तर साहब, मोइन अख्तर साहब क्या ले एरा था व्हिच हैज एंडेड, मोइन अख्तर और अनवर मकसूद की जो जोड़ी बनती थी उसकी तो बात ही और थी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। आमिर लियाकत हुसैन साहब अभी 2022 में जी अनफॉर्चुनेट ही वाज एंकर एंड अ होस्ट एंड अ स्कॉलर, it was a really unfortunate accident. Very talented guy. A lot very of work to his credibility, but बस हादसात और मसले मसाइल और बस कब जिंदगी के हालात बदल जाएं, हमें हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। बेशक। अच्छा जो एक धचका मुझे लगा था ना कि फैशन इंडस्ट्री में टोनी रशीद has a lot of and a big name. तो we वो तो एक दिन सुबह उसके देखते साथ ही खबर और हर तरफ चल रही थी, और वो तो इतना वो भी कैसे मिलनसार वक्त बात कर रहे हो ना Happy कि person. कोई कैसे आपकी यादों में रहता है, तो मैंने देखा कि इन सब में एक क्वालिटी नजर आती है कि इखलाक के अच्छे लोग, इखलाक इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नवेद का हार्ट का हमेशा से उसके आई थिंक काफी अरसे से ही वाज यू नो सफरिंग बिकॉज़ ऑफ द हार्ट थिंग। अच्छा हां जी, बट जाहिर है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। होस्ट थे, बहुत अच्छे होस्ट रहे हुए हैं, गाता बड़ा शौक से था और बहुत बहुत ज्यादा गाना, महफिल की जान होती थी, चुटकुले और वो मजाक। और फैज मियां दाद साहब आए हैं, वो आज हमें क्या सुनाएंगे उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और पाक पतन से स्पेशली आना, तो पाक पतन भी कहते हैं एक गढ़ है जी, क्यों नहीं, क्या खास बात है वहाँ की? वहाँ तो पहले तो बाबा फरीद सरकार का दरबार है वहाँ पे, जहाँ से हमको मसल गए भाग लगे हैं वहाँ से, तो उन्हीं का सदका है, उन्हीं का कर्म है हम पे जो आज यहाँ बैठे हैं। तो आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको सुना रहा हूँ खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली है, बहुत प्यारी बहुत सुरीली, इंज विछड़े मुड़ नहीं आए जानी दूर गए, पेशे खिदमत है, शुक्रिया। जानी मैं
ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਗਈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਜ਼ਿਕ ਜਿੰਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਗਈ ਗਮ ਸਜਣਾ ਦੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲਦੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਗ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੀ ਵਿਛੜੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਏ Yeah.
So welcome back again and we have Hamza with us और जो कि हमें बहुत ही एक डेकोरेटिव केक बनाना सिखाएंगे exactly. और वो हाफ आई थिंक बना के भी लाएंगे। हाँ जी, ये हमने एक कैरेमल टॉफी क्रंच केक को लेयर किया हुआ है, ये व्हिप्ड क्रीम में है इस टाइम, और अब हम इसके ऊपर बड़े अच्छे रोजेट्स और चीजें बनाएंगे। आप भी कोई अच्छा स्पंज लेके और उसको आप व्हिपिंग क्रीम के साथ घर पे खुद डेकोरेट कर सकते हैं। एंड यू डोंट वांट दीस बैग स्पेशली, आप कोई भी एक नॉर्मल बैग कोई भी मेरी बात है ना, हम बना के बनाना शुरू करें। क्यों बना रहे? क्योंकि आज हमारा पहला शो, पहला एपिसोड है उसकी सेलिब्रेशन में। बोलो ना हमजा। तो ये देखें, ये हमारा धनक स्पेशल ये हमारा धनक स्पेशल केक है। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले हम दो ये, ताकि आप लोगों को नजर आए, हम ये इसको टावर्स। अच्छा, बहुत सी लेडीज को ये इशू होता है कि वो कैसे वो शॉपर पकड़ लेती हैं बैग प्लास्टिक का, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास आगे टिप्स और ये कलर एंड क्रीम है। दिस इज कलर एंड क्रीम, दैट्स इट। अ गुड क्वालिटी व्हिपिंग क्रीम रेडिली अवेलेबल है, आपको कोई खपने खुपने की जरूरत नहीं है, वो लें, व्हिप करें और वो यूज करें। अच्छा, आजकल व्हिप क्रीम के नाम से भी क्रीम आती है। एग्जैक्टली, वो ही यूज करनी है हमने। सही है। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसके एक अच्छा सा हम इसको बॉर्डर देंगे। इट्स अ धनक केक। Beautiful. ये हिना ने बनाया है? नहीं, ये हमजा ने बनाया है, मैं बनाऊंगी next time। अच्छा, नहीं नहीं, माशाल्लाह, it's looking great। तो अब ये हम try कब करेंगे सब? ये अब आ जाए सारे, हम try करते हैं केक। मैं इंतजाम करता हूँ try करवाने का। सब आ जाए, आ जाए, आ जाए, थोड़ी कैलोरीज बढ़ा लेते हैं, हमारा फिटनेस मोटिवेशन है। अगले साल हमने बहुत फिट होना है। हाँ। और इस साल तो हमने होना ही होना, हम दो साल का हमारा मोटिवेशन है, हमने बहुत फिट होना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत फिट होना है। चलें जी, आ जाएं। सपने नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, भूल जाएं, आ जाएं प्लीज, आएं। बाकी हाँ हाँ हाँ, अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, अभी है, सब आएंगे तो हम वील कट इट एंड देन यू नो वील कट इट। हाँ चलो, बड़ी छुरी से काटते हैं। अ लॉट ऑफ कैलोरीज, बट वी कैन हैव इट। नो नो, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ कैलोरीज, डोंट वरी। हां, तुम डायबिटिक को कहना चाहिए ये बात, तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा। ए जबरदस्त जी, बहुत मुबारक हो आपको शो की। तो अब हम We'll start serving the cake. बहुत खूबसूरत रंग है ये, और इट्स सीरियसली ये आपके कलर्स के साथ बहुत मैच कर रहा है, जो आपने ऑक्सिल पहना हुआ है। बिल्कुल फिरोजी भाई, वेरी नाइस हमजा, ऐसे लग रहा है कि यू वर मेंट फॉर, ही इज ऑलवेज मेंट फॉर फूड। या सीरियसली है ना? थैंक यू सो मच, बड़ा मजेदार काम है। और इसको खाना कैसे? अभी हम ये में फोर्क्स और स्पून्स, ये बिल्कुल मैं सर्व करती हूँ। Okay. It's like, ये एंड पे जिस तरह एक फैमिली मिलके खाती पीती है, इस टाइम हम वो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ना सोमा, आप मेरे साथ ही खा लें, बिकॉज़ ये तो बहुत ज्यादा है। एंड आई मोस्टली लाइक द स्पंजी वाला पार्ट ऑलवेज। अच्छा, अच्छा, वी डोंट डू वेरी क्रीमी केक्स, इट्स मोर मोस्ट ऑफ द टॉपिंग इज ऑन द टॉप। अच्छा, आपको अंदर से यू विल हैव द टॉपिंग इज ऑन टॉप। यस, अच्छा, इट्स अ होममेड कैरमल सॉस इनसाइड। है ना, आपको भी थोड़ा सा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे जो वैसे तुम लोगों ने मुझे वो आज वो पाए खिला के चुप चुप किया, मैं कहा ये कभी खाऊं। निर्माण, डू यू वांट, आपने लिया है? आप की मासूमा, मैं इनके साथ शेयर, मुझे बस एक स्पून दे दो। स्पून लेने, स्पून लेने। ओके ओके, हम जी, हम जी, बिल्कुल कैसे ट्राई करने के। ये बेकोलॉजिस्ट के हाथ का केक है ये, ही इज बेकिंग स्पेशलिस्ट ना, रियली मींस अ लॉट, वेरी नाइस प्लेजर, एंड आई विल बी रियली वेटिंग फॉर माय केक। डन डन डन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा? बहुत। चले बस, अब सारे केक्स मेरे पास ही आने चाहिए। गुड बाय। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। फरीजी, कैसा लगा आपको? बहुत आला, बहुत मजेदार। और थैंक यू सो मच। जाहिर है, आई लव द नेम ऑफ योर माशाल्लाह बेकरी। अच्छा, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। और अच्छा हुआ आज है ना कि सारे फ्रेंड्स से मेरी भी मुलाकात हो गई, हम सारे मिले, और माशाल्लाह सारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, केक की तो हमने अभी किया, मीठा हमने खाया, बात भी की।
एक जहाँ आता है ना, तो मैं अपनी बताती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को हमेशा से मेरी बर्थडे का ना हमेशा से बहुत होता था कि मैं बड़ी एक नॉटी बच्ची थी, और वो कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती कोई काम करवाना, भाई हो ना हो रही हो, मैंने सबको इन्वाइट करके पहले ही इन्वाइट कर लेना होता था, तो केक उसके बाद हमने ऑर्डर करना है, उसके बाद हमने सेलिब्रेशन दिया, वो नहीं भी होनी थी लेकिन सेलिब्रेशन हो जाती थी। पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई थिंक ये जो आप हॉट सीट्स पे बैठते हो, इसके पीछे आपके पेरेंट्स का ही रोल होता है कि वो अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, अपना बेसिक, आपको सारा कुछ आपको सौंप देते हैं, बाकी काम आपका होता है कि आपने उनकी उनका नाम, उनकी वैल्यूज लेके आगे कैसे चलना है। मगर वो जो तकलीफ़ से जिससे मैं अक्सर गुजरती हूँ, अब हर रोज़ ही हर रात को जब मुझे याद आती है, मोस्टली जब मैं जब भी मसरूफ़ नहीं होती, तो यही ख्याल आता है कि बस पता नहीं इससे बड़ा कोई क्या लॉस होता होगा, कि माँ का रोल वाकई इतना अमेजिंग है, और इसीलिए तो अल्लाह ने भी तशबीह उस माँ से दी कि मैं कितनी माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और बेटियाँ तो वैसे ही माँओं के बहुत करीब होती हैं, मैं समझती हूँ सब औलादों में से बेटियाँ ऐसी होती हैं जो कि ब्रिज होती हैं पेरेंट्स के दरमियान में, और हमेशा से हमने देखा है कि वो कहते हैं ना कि बेटे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन बेटियाँ थोड़ी ज़रा चुलबुली होती हैं और थोड़ी यू नो हमें ब्रिज का एक रोल अपनाती हैं, करती हैं पेरेंट्स के दरमियान, फादर मदर के दरमियान। छोटी बेटियों का एक अपना ही चार्म है। हमजा हैज अ ब्यूटीफुल डॉटर्स इवन, माशाल्लाह। और मेरी दो बेटियां हैं, वन बड़ी वाली इज 8 और छोटी वाली 3 साल की है। अच्छा, माशाल्लाह। ओवरऑल अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, और मुझे पेरेंटहुड ने बिल्कुल बदल दिया एज अ पर्सन। और आई रोम डॉक्टर मासूमा की बेटी अलीजे से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, शी इज सच अ स्वीट हार्ट। मैंने इन दोनों माँ बेटी का रिश्ता हमेशा से ना देखा है बीइंग फ्रेंड्स। तुम्हारी भी बेटी माशाल्लाह। हाँ, मेरी भी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, तो बेटियां जो है बहुत मीठी मीठी अल्लाह की तरफ से रहमत है। साथ जो है ना, मतलब शी इज टर्निंग 14, तो 14 इयर्स की बच्ची के साथ जो है ना बिल्कुल अगर फ्रेंडशिप ना हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सही रहता है वो। बेटियां पेरेंट्स के दरमियान, पुल की बात की, ब्रिज की बात की, बेटियां तो सिबलिंग्स के दर और पेरेंट्स के दरमियान भी ब्रिज बन जाती हैं। बिल्कुल। यानी अपने बहन भाइयों के लिए, खासतौर पे भाइयों के लिए, वो मेरी अलीजे तो सबसे पहले आगे जो है ना खड़ी हुई होती है कि भाई और अम्मा के बीच के अंदर एक खूबसूरत ब्रिज है वो। और मैंने मासूमा देखा कि जो माँ ने जिस तरह से पूरे घर को जकड़ के रखा होता है, सारी जो टाइज है ना वो उसी की वजह से ही वो सारी बंधी होती है, और इसके बाद फौरन खुल जाता है। कभी कोई माँ कहीं चली जाए तो घर बिखर जाते हैं, बिल्कुल। और बाप चला जाए तो फिर माँ अगर हो तो घर संभला रहता है, लेकिन माँ के बाद घर संभला नहीं, घर वैसा नहीं रहता, बिल्कुल वैसा नहीं रहता। मेरी मामी बड़ी रौनकी थी और बड़ा हर वक्त हंसती रहती थी, हर वक्त हंसाती रहती थी, तो वो वाला ऐसा फिगर वैसे ही चला जाए तो बहुत ही ऐसा लगता है वीराना हो गया है सब कुछ। तो इसी बसातत से मुझे वैसे गाना तो थोड़ा सा चुलबुला कुछ गाना चाहिए था, मगर आई मेरे लिए बहुत क्लोज है ये मेलोडी। साल अभी ख़त्म हुआ है और उसी हवाले से माए नहीं माए दुखड़े में सुनाए। बट एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि अपने पेरेंट्स से प्लीज़ प्यार करें, उनकी ज़िंदगी का कोई नहीं पता होता कि हमारे साथ हैं, अगले साल रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उनके साथ सेलिब्रेशंस करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी अगर आप वर्किंग भी हैं तो वीकेंड्स की वीकेंड्स कोशिश करें कि उनको टाइम दें, और उनकी सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए हमेशा दुआ करें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। और फरिया जी, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर बताएँ वो गाना हमें सुनाएं, और जिस तरह आपने हमें बताया आपकी क्लोजनेस अपनी मदर के साथ, तो वो हम आपके गाने में देख सकते हैं, आपका दर्द हमें वही नज़र आता है। ज़रूर, वुड लव टू। आपको बहुत मुबारक हो, आपका माशाल्लाह शो का बिगिनिंग है, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दें इंशाल्लाह। आमीन।